वाला इसमें। यार बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस लगता है बुरा, क्योंकि मैंने दिल्ली में इससे बुरे बुरे फेस देखे हैं। छोटा सा पंखा नहीं होता, वो तीन लगा रखे थे उन लोगों ने। ओके हाँ, सो वो सीधा यहाँ थप गिरा मेरी। मैंने सोचा, मैं नींद में था तो ऐसा लगा किसी ने मोटा वाला पत्थर मारा। जॉइन इन द सेंस कि मैं वापस थिएटर की तरफ मैंने रुख मोड़ा, तो टॉम साहब से मुलाकात हुई। हाँ। टॉम साहब के साथ मैंने, टॉम वॉल्टर साहब के साथ थिएटर स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने बम्बई के लिए रुख बनाया 2016 की स्टार्टिंग में। So, कुछ ऐसा एक इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ हो जो विच यू फेल्ट वेरी बैड कि नहीं लेट्स गो बैक टू दिल्ली नाउ? नहीं यार, मेरे को ऐसा, मुझे मतलब मेरा ये है कि हमारी दिल्ली में ऐसा होता है कि भाई एक बार चले गए तो। हाँ, बट नॉर्थ इंडियन वाले बड़े फिल्मी होते हैं। बट सबने है बहुत बोलते ना रेड कारपेट जैसा बिछाया था आपके लिए कि कुछ तो बैड एक्सपीरियंस हुआ रहेगा लाइफ में। यार बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो पार्ट ऑफ लाइफ थे उस समय। बट यू नेवर फेल्ट लाइक लेट्स गो बैक टू होम? नो नो, वो मतलब कुछ समय के लिए बुरा जरूर लगता था, लेकिन मेरे को जैसे कि यार मेरे को लगता था यार ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं या कैसे बोल रहे हैं, पर मुझको लगा कि यार यही एक्सपीरियंस है लाइफ का। मैं सबको ये बोलूंगा, सबकी जिंदगी में पता नहीं कितना कुछ घटता होगा, बट वो किसी रीजन की वजह से होता है जो आपको भी नहीं मालूम। वो रीजन ये है कि वो आपको बेहतर इंसान बना रहा है, जो आपको भी नहीं मालूम। दैट बैड एक्सपीरियंस, द बैड एक्सपीरियंस, जो लोग बोलते हैं यार मेरे साथ ही हो गया, हुआ है, सबके साथ होता है। तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा, अरे मेरे साथ कैसे हो गया भाई, हुआ है भाई, तुम कौन हो? मैं भी तो इस दुनिया में छोटा सा ही हूँ ना, कोई प्राणी है किसी जगह, वो भी पड़ा हुआ है। तो उसके साथ भी भाई, जिसको नहीं पता या जो नहीं जानता या फिर या जिसको लगा होगा कि इसको यार उस मोमेंट पे ऐसा ट्रीट करना चाहिए, उसने कर दिया। वो ही ब्यूटी है उस चीज की कि तुझे बैड एक्सपीरियंसेस ही नहीं होंगे, सब अच्छा अच्छा होगा। तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या मुझे कहाँ काम करने की जरूरत है। मैं मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के जजमेंट से अपने ऊपर काम करता हूँ कि भाई उसने जजमेंट दे दी, पास कर दी तो मैं काम करूँगा। मैं खुद एनालाइज करूँ उसको पहले, तब मैं उस पर काम करना शुरू करता हूँ। तो मेरे लिए ये सब बड़ा ही, कैसे तुमको बताऊँ, मैं बड़ा ही नॉर्मल है लगता है बुरा, क्योंकि मैंने दिल्ली में इससे बुरे बुरे फेस देखे हैं। तो यहाँ पे मतलब ऐसा भी देखा है कि हम पांच पांच लोगों के साथ रहा हूँ। पांच पांच एक वन आर के में हम लोग रहते थे, जब मैं आया था मलाड में रहता था, पांच पांच लोग रह रहे हैं ऐसा एक ही साथ रह रहे हैं, और बड़ा ही बुरा हाल होता था उस कमरे में। ऐसा भी देखा है उसको, मतलब मेरे को अभी भी याद है, मेरे ऊपर एक बार एक पंखा गिर गया था भाई, मैं सो रहा था, मैं जब आया था उस रूम में, मैं बोलता था कि यार ये पंखा, इसको यार इसको बंद करो यार, ये ना इसको कुछ ठीक वीक करो, ये कुछ खराबी है। और वो गिरा ही साला मेरे ऊपर यहाँ पे, वो छोटा सा पंखा नहीं होता, वो तीन लगा रखे थे उन लोगों ने। ओके हाँ, सो वो सीधा यहाँ थप गिरा मेरी। मैंने सोचा, मैं नींद में था तो ऐसा लगा कि किसी ने मोटा वाला पत्थर मारा है।